हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1 के, जो कि है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के प्रैक्टिस सेट 1.1 से। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में हम ये आपकी प्रैक्टिस सेट पूरी सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है, साथ में पढ़ो मेरे, कोई क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें ये जो फॉलोइंग जो नंबर्स कुछ गिवन है ना, देखो मैं दो क्वेश्चन लिया हूँ, इसको हमें एक नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन क्या होती है, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपको एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूँ पहले कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन वो लाइन होती है जिस पे हम सारे नंबर्स को प्लॉट करते हैं, इधर भी इन्फिनिटी तक जाती है और इधर भी इन्फिनिटी तक जाती है। अभी शुरू कहाँ से होती है, तो शुरू नहीं होती, सेंटर में इसके ज़ीरो होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। अब ज़ीरो के अपन इस साइड जाएंगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। नंबर का कोई भी अंत नहीं है, ये नंबर्स हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव में पढ़ते जाएंगे। और उसी तरह से इधर पॉजिटिव हो जाते हैं तो ज़ीरो के, जो हमारा ज़ीरो है उसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब ज़ीरो जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो के राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है। और ज़ीरो के इस साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4 इस तरह से। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर इन सब नंबर्स को प्लॉट करना है। आपकी प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन दिए हैं, मैं करा रहा हूँ और बाकी 2 आपको करने हैं और ये भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3/2, उसके बाद है 5/2 और उसके बाद है -3/2। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, इधर मैंने बताया हमने होल नंबर प्लॉट किए, मतलब देखो ये फ्रैक्शन में नहीं है ना, यहाँ हमारे क्या है, फ्रैक्शन है, 3/2 है, 5/2 है, -3/2 है और यहाँ पे हमारे पास होल नंबर है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। कैसे पता चला है दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, क्योंकि इनके आगे कोई भी साइन नहीं गिवन है, तो अगर कोई साइन नहीं होता है तो उसे पॉजिटिव नंबर बोलते हैं और ये हमारा नेगेटिव नंबर है। तो अब इसको कैसे हम प्लॉट करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं आपको करके बताता हूँ। आप बोलोगे क्या सर इतना सिंपल एक चीज़ आप हमें सिखा रहे हो, तो बस सब सिंपल है तो उसको फटाक से आप लोग सीख जाओगे। एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, हम शुरुआत करेंगे ज़ीरो से, जो कि होता है बीच में, हम बीच में बनाएंगे ज़ीरो, वहाँ से हम शुरू करते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर को देखो पहले, डिनोमिनेटर में फोकस करो, डिनोमिनेटर क्या है, इधर डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, मतलब तीनों नंबर को जो आपको प्लॉट करने हैं उसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसीलिए हम 0 को भी लिखेंगे 0/2। अब इसके बाद देखो ये दो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव में आपका बड़ा नंबर क्या है, 5, तो हम 5 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसके बाद क्या करना है, इनको प्लॉट करना है, तो 0 से शुरू किया था ना, 0 के बाद क्या आता है, 1/2 लगा दो, 2/2 लगा दो, 3/2, 4/2 और 5, ये 2 होगा सॉरी, 4/2 और ये हो जाएगा 5/2। तो देखो जब तुमने 5/2 तक गिन लिया, देखो तुमको 3/2 अपने आप मिल गया, ये है तुम्हारा 3/2 और 5/2 तो हमने काउंट ही किया था। ये देखो ये दो नंबर हमारे नंबर लाइन पे प्लॉट हो गए, ये हो गया 3/2, ये हो गया 5/2। अच्छा अब -3/2 के लिए क्या करेंगे, क्या ये -3/2 है या +3/2 है, देखो 3/2 ये भी है, 3/2 ये भी है, लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है, हमने एक ही 3/2 लिया, ये माइनस का है प्लस का है। तो अभी बताया जीरो के साइड पॉजिटिव होता है, इसलिए ये 3/2 प्लस का है, हमें चाहिए माइनस का, तो जो काम इधर किया है वही काम इस साइड करेंगे तो हमें माइनस के नंबर मिलेंगे। तो ये 0/2 है, इधर का पहला नंबर हो जाएगा -1/2, दूसरा नंबर हो जाएगा -2/2 और तीसरा नंबर हो जाएगा -3/2 और ये हमें प्लॉट करना था, जिन नंबर को प्लॉट करना हो उसे सर्किल कर दो।
हो गए तुम्हारे तीनों नंबर नंबर लाइन पे प्लॉट, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो मैं कराता हूँ, और सेकंड और फोर्थ आपको करना है और इसको भी करना है। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के साथ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, -5/8 और दूसरा नंबर क्या है, 11/8। ये क्वेश्चन है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैंने बताया अभी, बहुत सिंपल है। कैसे शुरू करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस नंबर लाइन में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कहाँ से प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, अब डिनोमीटर देखो, डिनोमीटर कितना है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0/8। अब इसके बाद हमें सिंपल जैसे नॉर्मल काउंटिंग करते हैं वैसे ही काउंट करना है। तो देखो कहाँ तक काउंट करना है, जो हमारा नंबर है, देखो 11 है ना, ये पॉजिटिव का है नंबर, ये नेगेटिव का है, तो इस साइड मुझे पॉजिटिव लेना है, तो मैं कहाँ तक ड्रॉ करूँगा, अपने हाईएस्ट नंबर तक जो कि है 11। तो 11 काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हमारे 11 नंबर हो गए। अब इसी को नंबरिंग कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 0/8 है, तो ये दूसरा हो जाएगा 1/8, उसके बाद आएगा 2/8, फिर आएगा 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, ये 9/8, ये 10/8, ये 9/8 है, ये 9/10/8, और ये हमारा हो गया 11/8। तो देखो 11/8 है, इससे ही हमें प्लॉट करना था। ये हो गया हमारा 11/8। अब इसी तरह से हमें निगेटिव भी करना है। निगेटिव में हमें कहाँ तक जाना है, 5 तक, -5 तक। तो ये 0 है, इसके इस साइड पहला नंबर हो जाएगा -1/8, दूसरा नंबर हो जाएगा -2/8, तीसरा हो जाएगा -3/8, चौथा हो जाएगा -4/8, और पांचवा हो जाएगा -5/8। मिल गया 5/8, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। देखो दोनों नंबर हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए, बस इतना ही करना है। तो इसी तरह से आप सेकेंड और फोर्थ वाला भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कहता है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। पिछले क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन पर नंबर प्लॉट करने को बोला था, यहाँ पर आपको नंबर लाइन पहले से बनी बनाई गिवन है, और इस नंबर लाइन पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन तो दिख रही है, अच्छी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पूछा है पॉइंट बी जो है ना, ये बी, इस ये कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। आएंगे इसके तरफ भी, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पहला सॉल्व कराता हूँ, फिर जैसे जैसे आएगा मैं क्वेश्चन आपको पढ़ता रहूँगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा है, पॉइंट बी में कौन सा नंबर इंडिकेट किया है। तो देखो पहली बात तो ये देखो कि यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, मतलब होल नंबर हो गया। ठीक है, अब बीच में कोई नंबर है, तो अब बीच में कौन सा नंबर है, क्या है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, दो नंबर के बीच में जितने डॉट्स होंगे ना, वहाँ से काउंट करना शुरू करो। जैसे तुम 0 से 1 की तरफ जा रहे हो, देखो किसी भी दो नंबर को ले लो, चाहे 0 से 1 को, चाहे 1 से 2 को, 2 से 3 को, या 0 से -1, 1 -1, -2, -2, -3, किन्हीं भी दो नंबर्स को ले लो और शुरू करो काउंटिंग। मैं 0 से 1 की तरफ जाता हूँ, तो मैं डॉट्स को जो बीच में है ना काउंट करता हूँ। देखो 1, 2, 3, 4 कितने डॉट हैं, 1 को लेते हुए ना इसको लेना है, तो 4 डॉट है ना, तो मतलब डिनोमिनेटर होगा 4, ये 0/4 है। तो अगर ये 0/4 है, तो बस काउंटिंग करनी है, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये 3/4, और ये देखो 4/4, और 4/4 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो मुझे 1 मिलेगा, मतलब कि ये ऐसे काम करता है। तो आपके दो नंबर के बीच में जितने डॉट होते हैं ना, वो हो जाता है डिनोमिनेटर, इंक्लूडिंग द लास्ट नंबर। तो यहाँ 0 से जब मैं 1 की तरफ गया, तो मैंने डॉट्स जो है ये काउंट किए, ये 1, 2, 3 और ये 4 डॉट आ गए, मतलब डिनोमीटर हमारा हो गया 4। अब जो डिनोमीटर यहाँ है, वही डिनोमीटर सबको लगेगा। तो ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा -2/4, ये -3/4। तो देखो यहाँ पे क्या था, ये 0/4, 4/4 इधर हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव में, अच्छा मैंने इसको 4/4 दे दिया क्या, नहीं ये इधर ऐसे नहीं होगा,
ये गलत है, ये देखो ये 0/4 है, तो इसके बाद का जो पहला डॉट है ये ना -1/4 होगा, फिर इसके बाद -2/4 ये होगा -3/4 और ये होगा तुम्हारा -4/4 जो कि कैंसिल होके -1 बनेगा, ठीक है। तो ये इधर नहीं आएगा, तो ये -4/4 1 हो गया, उसके बाद -5/4, -6/4 ऐसे ही करते जाएंगे। तो -6 के बाद क्या आएगा, ये -7/4, ये हो जाएगा आपका -8/4। तो अब काउंट कर लो, अगर ये -8 है तो ये -9 और ये हो जाएगा बी, जो हमसे पूछा है बी का वो हो जाएगा तुम्हारा -10/4, ठीक है। फिर से बताता हूँ, जीरो से डॉट्स को काउंट करना शुरू करो, डिनोमिनेटर 4 आ गया तो जितने डॉट होंगे वही नंबर होगा, तो जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो b की वैल्यू क्या हो गई -10 और डिनोमिनेटर क्या हो यूज़ करेंगे हम 4, तो हम क्या लिखेंगे b इंडिकेट्स -10/4, यही हमसे पूछा था, यही हमने बता दिया, हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4, तो पहले तो देखो पहले तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है ना ये 1/3/4 ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हमें पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब दो केवल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस होल नंबर को हटाना पड़ेगा। तो क्या इसको मैं हटा दूँ, सिर्फ 3/4 लिख दूँ, नहीं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, क्या करते हैं डिनोमिनेटर को होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। फिर से बोलो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो 4 × 1, 4 × 1 क्या होता है 4, और 4 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7, और डिनोमिनेटर लगाएंगे 7/4, मतलब हमें 7/4 को इस नंबर में बताना है कि वो कहाँ आया है। तो 7/4 पहले नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, ये 7/4 पॉजिटिव में है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका कोई भी साइन नहीं गिवन है, तो ये 7/4 पॉजिटिव है, मतलब हमें जीरो के इस साइड काउंट करना है। तो बस जीरो से पॉइंट्स को काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा 7/4 और उसके ऊपर क्या नाम दिया हुआ है सी। तो हम क्या लिखेंगे, विच पॉइंट पूछा है, तो हम लिखेंगे सेकंड का आंसर सी और बाकी का पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, सी इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स, बोला है हमें ये बताना है कि जो डी पे नंबर है क्या वो नंबर 5/2 है या नहीं है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके, पहला तरीका जो डी का नंबर है वो तो हमें पता चल जाएगा, हम काउंट कर लेंगे, तो आओ पहले काउंट कर लेते हैं, देखते हैं डी पे कौन सा नंबर डिनोट किया है। तो हम जीरो से डी की तरफ बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो पहले हम लिखेंगे डी की वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू 10 और डिनोमिनेटर तो लगाएंगे ही, तो ये क्या हो जाएगा 10/4। देखो क्या ये 10/4 तुमको और छोटा हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म किसी एक नंबर किसी एक टेबल में जाता है क्या 10/4, कौन सा टेबल है जिसमें 10 भी आता है और 4 भी आता है, कोई तो टेबल होगा ना जिसमें 10 भी आता है और 4 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है और 4 भी आता है, तो इसको छोटा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 5 10 और 2 2 4 5/2, देखो क्या यही पूछा था क्या हमसे, 5/2 ही पूछा था ना हमसे, डी की वैल्यू क्या 5/2 है, तो बिल्कुल है, तो हम ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू, क्यों, क्योंकि यस हम क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम इट इज ट्रू, बस इतना ही लिखना था, हो गया। इसी के साथ आपकी एक पहली प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आप कहोगे कि सर ये 2 आपने दो बार लिखा है, ये 3 भी दो बार लिखा है, तो हम कौन सा पढ़े, हम 2 को ये वाला लें, तो सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ये मैंने बताया आप कैसे सॉल्व करोगे, आंसर आपका ये है,
जो आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह से ये मैंने बताया क्या है, ये थ्री पॉइंट को हटा दो, आपको पहले ये दिखाना होगा और फिर बस इसके आगे ये 82 आप यहाँ भी लिख सकते हो, मैंने नीचे लिख दिया था, इसको नहीं मेंशन करेंगे हम। तो आप ये सॉल्व करके ऐसे दिखाओगे और इसे क्या आगे 82 लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें भी वही काम, यहाँ पर मैंने सर्किल कर दिया, हमने बी की वैल्यू दिखा दी 7/4 और उसके बाद हम इसको ये लिख देंगे, ठीक है।